हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज शाम से। तो मुझे अभी जस्ट फ़ोन आया था कि मुझे अपने मायके जाना है, तो चलिए मैं आपको वहीं जाके मिलती हूँ। तो हम यहाँ थोड़ी देर रुके हैं क्योंकि हमें कुछ लेना है, तो इसलिए हम यहाँ रुके हैं। कुछ स्वीट्स वगैरह लेने थे तो हमने वो लिया है क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना खाली हाथ जाना। बस हम पहुंच ही गए हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं। हम जा रहे हैं अंदर, तो ये हम पहुंच चुके हैं। ये रही पलक और ये रहा हर्षित। ये देखिए, ये इनकी जुगलबंदियां, वो देखिए वो जा रहा है, ये फिर वापस आ गया। और ये हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा है, ये देखिए ये शख्स। भाई तो उससे मिलने जा रही हूँ मैं। ये देखिए मैं आपको चुपके से दिखाती हूँ, रोटी बन रही है। चले, ये है हमारी स्नेहा, उसमें आ रहा था। तो अब हम घर वापस जा रहे हैं। और लेट हो गए हैं, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। टाइम हो रहा है 12:30, 10 बजे तो हम लोग गए थे। जो बिजनेसमैन होते हैं तो उनका टाइमिंग ही यही होता है, शॉप से आना, फिर लेट ही हो जाते हैं।
हम घर आ चुके हैं। और मैं यहाँ पर दूध उबाल रही थी, तो मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में और किचन में समेट के ही गई थी। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और मैं आज कल अपना ब्लॉग ख़त्म नहीं कर पाई थी और मैं वहाँ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो अब मैं सुबह में बना रही हूँ यहाँ पर पकौड़े। मैं बना रही हूँ प्याज पनीर और आलू के पकौड़े, साथ में बन रही है चाय। तो बस मुझे यही नाश्ते की तैयारी करनी है। और लंच में मैंने बनाई है सूखी अरबी और पकौड़े बनकर तैयार हैं। आ जाइए, आप भी खा लीजिए। और इनको मैं भेज चुकी हूँ नाश्ता करा के, तो यहाँ मैं बच्चों के और अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। फिर मुझे करना है काम और मुझे आज लगानी है मशीन भी, और मौसम भी बाहर बारिश का बना हुआ है। नाश्ता वगैरह होने के बाद तो मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे और मेरी अलमारी बहुत फैली हुई थी, तो मैंने पहले वो ठीक करी है। तो यहाँ मैंने कपड़े प्रेस करके रखे और बहुत टाइम से मेरी अलमारी बिगड़ी हुई थी, तो मैंने इसको सही करा है। और अब बच्चों को लग रही है बहुत तेज़ भूख क्योंकि दोपहर हो चुकी है, तो मैं सोच रही चलो उनके लिए पुलाव बना देती हूँ। पहले मैं पुलाव बना लेती हूँ। और अभी मैं ये तरल खरीद के लाई थी, ये बहुत अच्छा होता है, इससे बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं और मैं पोछे में भी यूज़ कर लेती हूँ। ये नहीं था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, पहले मैंने इसे मंगवाया है। और ये सिर्फ 200 रुपए का आता है, 5 लीटर होता है इसके अंदर। और मैंने ग्रोफर से सामान मंगवाया था, तो मैंने सोचा आज सोयाबीन की वड़ियाँ हैं जिसे मैं यूज़ करके देखती हूँ। तो मैंने पुलाव के लिए भिगोई हैं और थोड़ी सी मैं इसे शाम को स्नैक्स के रूप में भी कर दूँगी। और ये आशी आ चुकी है किचन में मेरे पास और कह रही है मम्मा मैं बनाऊँगी पुलाव। तो देखिए किस तरह से बनाती है पुलाव, और ये कुकिंग बहुत अच्छी करती है। तो मैंने इसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल और हम यहाँ शाम को नहीं अभी ही इसको फ्राई कर रहे हैं क्योंकि तो बच्चों ने खाना है। और यहाँ आशी कुकर में डाल चुकी है सबसे पहले मस्टर्ड, और साउथ इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं हम लोग पुलाव। ये आशी बना रही है पुलाव और इसने डाल दिए हैं इसमें प्याज आलू और कड़ी पत्ता। और यहाँ डल चुका है हल्दी मिर्च और नमक। अब ये डाल रही है यहाँ पर पानी। और अब धो रही है आशी राई, देखिए किस तरह से धोती है। और ये इतनी ज़्यादा वहमी है ना कि सारा काम आरओ के पानी से करती है। अभी आप देखिए, देखिए आप आरओ के पानी से राइस धुल रहे हैं और इनकी स्माइल देखिए आप। और ये भी ब्राउन होने लगे हैं। और आपको पता है आशी फ्रूट्स बर्तन जब खाती है उससे पहले सब आरओ के पानी से धोती है मैडम जी। और अब मैंने इसमें सोयाबीन की वड़ी डाल दिया, चावल डाल दिया, मैं कुकर बंद कर दूंगी और स्टीम करवा दूंगी। और यहाँ पर कुकर बंद हो चुका है और यहाँ मैंने इसमें एक प्याज भी डाल दिया है और थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है, और मैं इसमें क्रीम वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही सिंपल सा अब इसमें चाट मसाला डाल दूँगी और ये तैयार हो जाएंगे। वैसे जब मैं बनाती हूँ तो इसमें क्रीम वगैरह सब डालती हूँ, लेकिन अभी मैं सिंपल ही बना रही हूँ। और ये यहाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये धूप पड़ रही है इस वजह से साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये बनकर तैयार है। और ये वो राइस हैं जो आशी ने बनाए हैं, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। और ये रही आशी जो डालने के लिए लाई है इसमें मैगी मसाला और लाई है इसके साथ अचार। तो बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।